इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 15। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 15। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरियाह में समा गया और आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामिनी, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल था और जाति जाति से और नगर नगर से चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबुवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामिन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेता के पहाड़ी में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया, और उसने सारे यहूदा और बिन्यामिन को और एप्रेम मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है, इस्राएल में से उसके पास बहुत से चले आए थे। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के 3रे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, और क्या बड़ा क्या छोटा क्या स्त्री क्या पुरुष जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई, और यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। वरन आसा राजा की माता माका, जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रो नाले में फूंक दी। ऊंचे स्थान तो इसराइलियों में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा, और उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया, और आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई।